सो हाय गाइस, हर रोज की तरह आज भी एक बहुत ही कमाल का वीडियो लेकर आया हूँ आप सबके लिए। रीजनल बैटल इवेंट के बारे में आप लोग को याद ही होगा, ये एक ऐसा इवेंट था जिसके अंदर से आप लोग को इनक्यूबेटर के बंडल गन स्किन एकदम बिल्कुल फ्री में मिल रहे थे, यहाँ तक कि आप लोग को ग्लू वॉल भी बिल्कुल फ्री में मिल रहे थे। लेकिन आप लोग को ये सुनकर मजा आ जाएगा, फिर से रीजनल बैटल अपने गेम के अंदर बैक आने वाले है एक न्यू नेम से। क्या बात कर रहे हैं? एंड इस वाले न्यू इवेंट का नेम दिया गया है रीजनल वॉर, जिसका ऑफिशियल बैनर या फिर काजे लोगो वगैरह आप लोग देख सकते हो। आज मैं इवेंट का डेट बताऊंगा, साथ में कौन कौन से बंडल गन स्किन और ग्लू वॉल स्किन एंड अदर रिवॉर्ड्स आपको फ्री में मिलेंगे, आज उसका भी रिव्यू कराऊंगा। इसके अलावा अपकमिंग कुछ न्यू कमाल के गन स्किन का आज आपको मैं रिव्यू करने वाला हूं, जिसका एक रिव्यू आप लोग यहां पर देख सकते हो। बहुत सारे न्यू कमाल के गन स्किन गेम के अंदर दिया जाएगा, तो ये गन स्किन कौन सा है आज वो भी बताऊंगा। थैंक्स। सिर्फ इतना ही नहीं, बात कर लेंगे टू नाइट अपडेट के बारे में, आने वाले ट्रैप ड्राइव इवेंट स्पेशल सिलेक्टेड सीरीज के बारे में, कौन कौन से आइटम्स बंडल को ऐड किया जाएगा वो सब देखने में कैसा है। सो बहुत से कमाल के अपडेट्स इस वीडियो के अंदर आप लोग को पता चलने वाला है। तो आओ गाइस अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैं कुछ न्यू गन स्किन का रिव्यू करा दूंगा। इस आप लोग यहाँ पर एक गन का रिव्यू देख सकते हो, ये गन स्किन देखने पर काफी तगड़ा लग रहा है। वैसे आपको शायद ये गन स्किन देखने पर M1007 का नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली गाइस ये AC-AT का गन स्किन है, जो कि कुछ टाइम बाद आपको अपने गेम के अंदर 3-4 कलर ऑप्शन के साथ देखने को मिलने वाले हैं। बाकी रिव्यू आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर कौन कौन से कलर को दिया गया है। वैसे सही बताऊं तो भाई गन स्किन को जो लुक दिया गया है वो काफी दमदार लग रहा है देखने में, एंड साथ में गाइस काफी कमाल का एनिमेशन भी आप लोगों को गन स्किन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल एक नया टाइप का AC-AT गन स्किन को डिजाइन किया है ग्रैंड वालों ने। कैसा लग रहा है आप लोग को ये AC-AT गन स्किन, आप लोग बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। वैसे आप लोग यहाँ पर एक दो कमेंट ये पूछ सकते हो कि इसने भाई गेम के अंदर इनक्यूबेटर रॉयल तो अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये AC-AT गन स्किन का जब 3-4 स्किन डिजाइन किया जा रहा है, फिर इसको ग्रैंड वाले अपकमिंग टाइम पे कौन से इवेंट के अंदर देंगे? इनक्यूबेटर के अंदर आता तो भाई चारों गन स्किन हमको एक साथ में देखने को मिल जाता, इसलिए आपको मैं क्लियर कर दूं ये जितने सारे गन स्किन है अपकमिंग टाइम पे आप लोग को अलग अलग इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप लोग को ये सारे गन स्किन एक साथ में रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिल जाए, जो कि अभी के टाइम पे गेम के अंदर एकदम पॉपुलर इवेंट है। चाहे भाई कुछ भी आइटम्स देना हो, सब कुछ हम करने वाले रिंग इवेंट के अंदर ही अवेलेबल करा देते हैं। एंड गाइस मुझे भी कुछ ऐसा लगता है कि आप लोग को ये सारे गन स्किन शायद रिंग इवेंट के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आओ गाइस फिलहाल आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेंगे अपने ट्रैप रैप इवेंट स्पेशल आने वाले एक न्यू सिलेक्टेड सीरीज के ऊपर। गाइस आप लोग जानते हो जिस भी आइटम को सिलेक्टेड सीरीज के अंदर ऐड किया जाता है उसको करना वाले चाहकर भी एक साल से पहले अपने गेम के अंदर बैक नहीं करा सकते। एंड साथ में गाइस ये भी एक बात है, जितने सारे आइटम्स बंडल को सिलेक्टेड सीरीज के अंदर ऐड किया जाता है वो कहीं ना कहीं देखने में बहुत ज्यादा मस्त होता है। उसके अंदर एनिमेशन इफेक्ट्स तो हमको देखने को मिलता ही है, लेकिन वो आइटम भी होता है बहुत मस्त, जिनमें से आप लोग दो बंडल का रिव्यू यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको मैं दो बंडल का रिव्यू करने वाला हूँ, एक मेल बंडल दूसरा फीमेल बंडल। की बंडल के अंदर कितना बढ़िया एनिमेशन दिया गया है आप लोग गाइस यहाँ पर देख सकते हो। बंडल आप लोग को बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलने वाले हैं। सबसे खास बात, ये बंडल आप लोग को दो लुक के साथ देखने को मिलेंगे। पहली बात भाई, बंडल आप लोग को एक बॉडी के साथ देखने को मिलने वाले हैं और दूसरा एक टी शर्ट के साथ। दोनों का रिव्यू आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, काफी शानदार इस वाले बंडल को डिजाइन किया गया है। बेसिकली ये दोनों बंडल आप लोग को जुलाई मंथ तक अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जुलाई महीने पे ही ट्रैप रैप इवेंट स्पेशल बुइया पास अपने गेम के अंदर आने वाले हैं। दैट्स व्हाई जुलाई मंथ पे ही करने वाले इन दोनों बंडल्स को गेम के अंदर ऐड करा देंगे, और शायद इसको भी आप लोगों को रिंग इवेंट के अंदर दिया जाएगा। जो भी इस बंडल को बाय करने वाले हो, एक साल तक कोई टेंशन नहीं है, ये बंडल गेम के अंदर बैक नहीं आने वाला है। एक साल तक आपके आईडी में एकदम बढ़िया बंडल रहेगा। वैसे देखा जाए ये भी करने वालों को एक बिजनेस का तरीका है, अगर इस तरीके से देंगे तो भाई जो प्लेयर इसको बाय नहीं करने वाले थे वो भी ये सोचकर बाय कर लेंगे कि यार एक साल तो ये बैक नहीं आएगा। बाकी आप सबको वगैरह देखने में कैसा कुछ लग रहा है आप लोग जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। भाई मुझे तो ये दोनों बंडल काफी शानदार लग रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोग को ये बंडल बाय करने के लिए ऑलमोस्ट 1500 से लेकर 2000 डायमंड तक खर्च करना पड़ जाएगा, तो इसलिए डायमंड थोड़ा ज्यादा ही लग जाएगा। वैसे अगर आप लोग चाहते हो तो स्पिन कर सकते हो, मैं रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ स्पिन करने के लिए, डिपेंड ये पूरा आप लोगों पर करता है। मेरा काम है रिव्यू करा देना, जो कि जुलाई मंथ पे आ जाएगा, तो मैंने रिव्यू करा दिया हूँ। बाकी फिलहाल इसी के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ते एंड अब हम बात करेंगे अपने टू नाइट अपडेट के बारे में। तो बेसिकली कल सुबह आप लोग को अपने गेम के अंदर एक न्यू मोको स्टोर इवेंट देखने को मिलने वाले है, और मोको स्टोर इवेंट के अंदर आप लोग को कुल मिला के 3 एनिमेशन और साथ में 3 स्कविंग देखने को मिलने वाले है। उनमें से आप लोग एक एक करके आइटम्स को चूज कर सकते हो, जो भी आपको स्कविंग एंड एनिमेशन बढ़िया लगता है उसको आप लोग को पहले चूज कर लेना है। उसके बाद अगर आप लोग बहुत टाइम से किसी भी ओल्ड एनिमेशन या फिर स्कविंग के लिए वेट कर रहे थे कि भाई वो गेम के अंदर बैक आ जाएगा तो आप लोग बाय करने वाले हो, तो आपके पास एक बढ़िया मौका आया है, क्योंकि ये आने वाला है मोको स्टोर इवेंट में। सो ये तो कन्फर्म है 1000 डायमंड के अंदर बड़े आराम से आप लोग एनिमेशन एंड स्कविंग दोनों को बाई कर सकते हो, यानी कि भाई दोनों का प्राइस बढ़ने वाला है 500 डायमंड। और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में कुछ और भी रिवॉर्ड्स कैसे आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं, कुछ बंडल्स वगैरह का यहाँ पर आपको मैं रिव्यू तो कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये सारे बंडल्स जो करने वाले देंगे नहीं, इसके जगह पर दूसरा कुछ बंडल आप लोग को कल सुबह अपने मोको स्टोर इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। सो ये था आज के लिए टू नाइट अपडेट। अब फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बहुत टाइम बाद अपने गेम के अंदर आने वाले रीजनल बैटल इवेंट के बारे में। जो रीजनल बैटल इवेंट था वो जब BD सर्वर ने
नेपाल सर्वर सब हम एक साथ में इंडिया सर्वर के साथ शामिल था, उस टाइम पे हमको रीजनल बैटल अपने गेम के अंदर देखने को मिला करता था। लेकिन बाद में जब 2021 में नेपाल और बीडी सर्वर को अलग कर दिया गया इंडिया सर्वर से, जिस कारण से भाई रीजनल बैटल इवेंट भी एक तरफ से कह सकते हो पूरा उड़ गया है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि फिर से अपने गेम के अंदर हमको रीजनल बैटल बैक देखने को मिलने वाले है। बस इसका जो नेम था उसको चेंज कर दिया गया है। आप लोग इसका जो ऑफिशियल लोगो है वो देख सकते हो। इसका गाइस यहां पर नेम दिया गया है रीजनल वार। इस बार रीजनल बैटल नहीं दिया गया है, दिया गया है रीजनल वार्स। इसका मतलब यह है जो नेम आप लोग को डिफरेंट देखने को मिलने वाले है, मगर जो तरीका रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। बात करें वो कैसे गाइस, आप लोग यहां पर अपना रीजनल बैटल का जो इवेंट है उसका एक रिव्यू देख सकते हो। कुछ इस तरीके से आपके पास तीन कंट्री आ जाएगा, इनमें से आप लोग को चूज करना है आप कौन से कंट्री से हो। एंड गाइस को चूज करने के बाद आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आएंगे और अलग अलग मिशन देखने को मिलने वाले है। वैसे हाँ सिर्फ यही एक चीज है कि आपको पहले अपना कंट्री चूज कर लेना है, उसके बाद गाइस आप लोग को अपना स्टेट चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, इस तरीके से आप लोग जिस स्टेट से हो आप लोग को पहले उसका स्टेट चूज करना पड़ेगा। देन आप लोग यहाँ पर आके देख पाओगे आपको बहुत से न्यू मिशन देखने को मिलने वाले हैं, और उन्हीं मिशन को कंप्लीट करने के बदले में आप लोग को मिलने वाले इनक्यूबेटर के गन स्किन बंडल और साथ में गुलवाल। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि इस बार कौन सा गुलवाल मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ रिवॉर्ड्स मेरे पास निकल कर आ गया है। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पर एक बैनर देख सकते हो जहाँ पर आपको तीन डीनो बंडल देखने को मिलते हैं। आप में से ऐसे बहुत से भाई लोगों जो कि व्हाइट डीनो बंडल के लिए वेट कर रहे थे, अभी आप लोग के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज, आप लोग को व्हाइट डीनो बंडल डायमंड से बाय करने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं रीजनल वार इवेंट के अंदर से। अब गाइस को ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है आप सबको डीनो बंडल को बिल्कुल फ्री में क्लेम करने का। और सर ये बात नहीं है कि आपको सर बिल्कुल फ्री में डीनो बंडल देखने को मिलने वाले हैं, तीन ऐसी बात नहीं है। आप लोग यहाँ पर एक टी शर्ट देख सकते हो, ये टी शर्ट दो काम करेगा। पहली बात भाई आप लोग को फ्री रिवॉर्ड्स तो रूप में ये टी शर्ट मिलने वाले, दूसरी बात ये जो इवेंट है ये कन्फर्म है, ये उसका प्रूफ है, ताकि कोई भी प्लेयर ये ना सोचे कि भाई रीजनल वार एक नाम का इवेंट है, ये कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ये इवेंट बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि आने वाला है, और इस इवेंट के थीम पे आपको ये सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। प्रूफ क्या है आप लोग इस टी शर्ट के अगर सामने देखते हो, इस पे लिखा गया है स्टेट वार चैंपियन, और साथ में इसका जो कलर दिया गया है वो इंडियन फ्लैग के कलर के अकॉर्डिंग है। यानी कि भाई नीचे आपको देखने को मिलता है ऑरेंज, बीच में दिया गया है व्हाइट, और ऊपर दिया गया है ग्रीन कलर। एंड जो चैंपियन लिखा गया है वहां पर भी यही सेम कलर को यूज किया गया है जो कि इंडियन फ्लैग का कलर है। साथ में ये वाला डीनो बंडल भी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाले है, जिसको मैं पहली बात कर लिया हूँ, बाकी रिव्यू आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो ये था प्रूफ, एंड ये इवेंट आप लोगों को जो है स्टेट के लिए खास करके देखने को मिलने वाले। तो गाइस आप लोग भी तैयार हो जाइए ये सारे फ्री रिवॉर्ड्स को क्लेम करने के लिए। शायद अगस्त मंथ तक ये इवेंट अपने गेम के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, या फिर उसके पहले भी ये इवेंट स्टार्ट हो सकता है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ कमेंट्स के रिप्ले के बारे में। सो बात करते हैं फर्स्ट कमेंट के बारे में। सनी भाई, न्यू ब्लैक बनी बंडल कब गेम के अंदर आएगा, एंड ओल्ड थ्रोन इमोट कब गेम के अंदर बैक आने वाला है? न्यू ब्लैक बनी बंडल बहुत जल्द ही आप लोग को अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले है, और जो ओल्ड थ्रोन इमोट है वो अभी के टाइम पे अपने गेम के अंदर बैक नहीं आएगा। अगर आगे चलकर इसके ऊपर कुछ लीक्स मुझे मिलते हैं तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर दे दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। सनी भाई, गिफ्ट स्टोर के अंदर इवोगन का टोकन कब आएगा, एंड A1007 का स्किन कब आएगा? अगस्त महीने पे आप लोग को इवोल्यूशन A1007 का स्किन रिटर्न देखने को मिलने वाले है, और गिफ्ट स्टोर के अंदर इवोगन का टोकन कब तक आएगा ये मेरे पास कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। अगर एनिवर्सरी स्पेशल करने वाले इसको ऐड कराते तो करा सकते हैं। बाकी नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। सनी भाई, ब्लैक बनी कब तक आएगा, ऑलरेडी बता दिया हूं, एंड जो फ्री रिवॉर्ड्स का आपने रिव्यू किया हो वो किस मंथ पे अपने गेम में आएगा, हमको कब मिलने वाले है, कौन से महीने में मिलेगा उसका बता दो डेट। तो बेसिकली आप लोग को जितने सारे मैं फ्री रिवॉर्ड कल के वीडियो के अंदर रिव्यू किया था वो था असल में अपने ट्रैप रैप इवेंट स्पेशल और साथ में एनिवर्सरी स्पेशल। जो एनिवर्सरी का फ्री रिवॉर्ड्स था वो मिलेगा अगस्त मंथ पे, एंड जो ट्रैप रैप इवेंट का फ्री रिवॉर्ड था वो मिलने वाले है जुलाई महीना पे। सो वीडियो आज का यहीं तक था, आप लोगों से कुछ बातें मुझे पूछना है। पहली बात गाइस, हमने कुछ न्यू चीज परचेस किए है, सोच रहा हूँ कि उसका ब्लॉग वीडियो में लाऊं, वो कुछ बहुत बड़ा चीज है, एंड गाइस आप लोगों के सपोर्ट के वजह से हम वो परचेस कर पाए हैं। तो इसलिए गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसके ऊपर ब्लॉग लाऊं, आप लोगों को कमेंट करना है। अगर आप लोग कमेंट बहुत ज्यादा करते हो आज के इस वीडियो में, कुछ ना हो बस यस कमेंट करना है, तब भी मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग ब्लॉग चाहते हो। सो मैं ब्लॉग लेके आ जाऊंगा, बस ये डिपेंड पूरा आप लोगों पर करता है, आपको कमेंट करना है। अगर आप लोग हाँ बोलते हो तो आ जाएगा, तो इसलिए यार कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो आज का यहीं तक था, अगर आपको बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन को भी ऑल ऑप्शन पर सेट कर देना। मैं मिलता हूं कल शाम को और एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।